दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना ही परमानेंट दुश्मन होता है, और आज ये बात रशिया ने भी प्रूफ कर दिखा दी है। अब से कुछ ही दिन पहले रशिया की तरफ से MRFA टेंडर में अपना Su-57 मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आज रशिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया गया है। और अब रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट को चाइना के एक एयर शो के दौरान चाइना के J-20 फाइटर जेट के साथ मिलकर उड़ाया है। ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि अमेरिका और नेटो को ये जवाब दिया जा सके कि चाइना और रशिया एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस एयर शो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रशिया ने अपने घोस्ट नाम के यानी कि MiG-35 को भी इस एयर शो में उतार दिया है, और ये दोनों ही वो फाइटर जेट हैं जिनको रशिया भारत को देना चाहता था। लेकिन दोनों ही फाइटर जेट की टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी जिस वजह से भारत इनको नहीं लेना